नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है आईएसआई एजेंट और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल कहाँ है सातवें दिन भी पुलिस खाली हाथ है लेकिन 18 मार्च को जिस तरीके से चौतरफा घेराबंदी करके उससे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई उसके बाद वो ब्रेज़ा बाइक जुगाड़ का इस्तेमाल किया उसकी कहानी परत दर परत धीरे धीरे खुल के सामने आने लगी है आपको जान के ताजुब होगा कि जिस वक्त पूरी पंजाब पुलिस अलर्ट पर थी उसी वक्त अमृतपाल नए नए रूप धारण करके और खूब आराम से भाग रहा था रास्ते में पुलिस पिकेट भी मिल रही थी लेकिन कोई उससे पूछ नहीं रहा था कोई चेकिंग नहीं हो रही थी यदि कायदे से चेकिंग हुई होती और कायदे से उस पर निगरानी की गई होती तो वो पुलिस की गिरफ्त में होता आपने अंतिम बार देखा होगा कि बाइक से भागते हुए वो जो तस्वीर आई थी सामने एक जुगाड़ पे नजर आ रहा है बाइक भी उस पर लदी हुई है कहा यह जाता है कि बाइक की जब ईंधन खत्म हो गया उसके बाद उसने वो जुगाड़ को पकड़ा बाइक को लादा और खुद भी दो जवान उस पर बैठ गए और फिर चले गए जहाँ जाना था अब उस जो जुगाड़ वाला है वो सामने आया है और बता रहा है कि क्या हुई थी पूरी कहानी जुगाड़ गाड़ी चालक का नाम लखवीर सिंह लखा है उसने मीडिया को बताया है कि वह घर से मेहतपुर की ओर जा रहा था जालंधर देहात में पड़ता है तभी रास्ते में दो नौजवान खड़े हुए नजर आए उन्होंने मुझे रोका और कहा कि उनकी बाइक पंचर हो गई इसलिए वह उन्हें आगे तक छोड़ दे उसके बाद वह अपनी जुगाड़ गाड़ी पर बिठाकर उन दोनों को मेहतपुर तक लेकर आया गाड़ी चालक लखवीर सिंह लखा ने बताया कि उन्हें मालूम नहीं था कि मदद मांगने वाला शख्स अमृतपाल सिंह है और उसका साथी है लेकिन बाद में पता चल गया कि अमृतपाल ने फरार होने के लिए उसके ठेले का इस्तेमाल कर लिया जुगाड़ गाड़ी वाले लखा ने आगे बताया कि आते जाते रास्ते में पुलिस की गाड़ियां तो बहुत थी लेकिन उनकी किसी ने चेकिंग नहीं की बाद में अमृतपाल सिंह ने भाड़े के तौर पे सौ रुपये भी दिए लखा के मुताबिक अमृतपाल सिंह उसकी फोटो नकली नहीं है बल्कि असली है यानी कि जो भी तस्वीर वायरल हो रही है वो असली है आपको बता दें कि अलगाववादी संगठन वारिस पंजाब दे का प्रमुख अमृतपाल सिंह अट्ठारह मार्च से फरार चल रहा है उसके पहले वो सुर्खियों में तब आया था जब 23 फरवरी को अजनाला पुलिस थाने पर अपने साथी लवप्रीत को छुड़ाने के लिए हमला बोल दिया था कई पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया था सीधे सीधे पुलिस को चुनौती दे दी थी कि यदि 24 घंटे में नहीं छोड़ा तो फिर अंजाम के लिए तैयार रहें दबाव में आकर के पुलिस को छोड़ना पड़ा था लेकिन उसी दिन से पुलिस इस तैयारी में जुट गई थी कि कब मौका मिले और अमृतपाल को दबोच लें ऐसा ही हुआ तैयारी में लगी रही इधर खुफिया इनपुट लेती रही जिसमें पता चला कि वो तो आईएसआई से जुड़ा हुआ है खालिस्तान समर्थक है विदेशी फंडिंग है और वो देश को तोड़ने की साजिश कर रहा है लिहाजा केंद्र से मदद लेकर के पैरामिलिट्री फोर्स और पंजाब पुलिस उतार करके अट्ठारह मार्च को उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई लेकिन वो पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया भाग निकला आज सातवां दिन है देखने वाली बात ये है कि अंतिम बार वो कुरुक्षेत्र हरियाणा में देखा गया है इसके बाद जो महिला ने बताया है जिसके यहाँ वो रुका था कि उत्तराखंड जाने की बात कर रहा था उत्तराखंड में उसके बारे में कोई जानकारी मिलती है या अभी यूं ही पुलिस सांप के निकल जाने के बाद लकीर पीटती रहती है रहीन बेखबर देखते रहिए इन खबर थैंक यू